सुप्रभात, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका कविता। आज आपको पुस्तक का द्वितीय पाठ संज्ञे शक्ति, जो हमारा अधूरा रह गया था, वो आगे पढ़ पाऊंगा। ठीक है, अभी तक की कहानी में हमने पढ़ा कि प्रातः काल होने पर लघु पत्थर नाम का जो कुआ था वह जाग उठा, और जब वह जागा तो उसने एक शिकारी को आते हुए देखा और उसे जंगल में वह क्या करने आया है ऐसा पता लगाने के लिए वह कुआ जो है वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने फिर देखा कि वह जो शिकारी है जंगल में जाल बिछाकर उस पर दाने चांदों के कणों को डाल रहा है। तभी कहीं आकाश में जिन से उड़ता हुआ कबूतरों के राजा जो था चित्रग्रीव, उसके साथ कई सारे कबूतर अपने परिवार के साथ उड़कर आए और उन चावलों के दानों को देखकर वहां चुगना चाहते थे, वहां बैठना चाहते थे। तभी चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने कहा कि इस निर्जन वन में जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, वहां चावलों के कण कहाँ से आए? तो मुझे संदेह हो रहा है, शायद ये हमारे लिए अशुभ हो सकता है, अमंगलकारी हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। तो ठहरो, पहले हम जांच पड़ताल कर लेते हैं। लेकिन वो सारे कबूतर जो है उसकी बात को नहीं मानते, उसका कहना नहीं मानते हैं। उन सभी कबूतर में से एक कबूतर कहता है कि एतत् वचनं श्रुत्वा, ऐसे वचन सुनकर कश्चित् कोई कबूतर सदर्पम आह, सदर्पम अहंकार युक्त या गर्वयुक्त, घमंड पूर्वक अहंकार युक्त या गर्वयुक्त आह कहता है, क्या कहता है? ईर्षी, ईर्ष्या करने वाला, जेलसिपिन करने वाला, घृणी, घृणा करने वाला अर्थात नफरत करने वाला, वह संतुष्ट हो, असंतोषी व्यक्ति जिसे कितना भी कुछ मिल जाए कभी संतुष्ट नहीं होता है, तो असंतोषी व्यक्ति क्रोधनो, क्रोधी व्यक्ति जो क्रोध ज्यादा करता है वो क्रोधी व्यक्ति, नित्य संगीत हो, हमेशा सब करने वाला संकालु व्यक्ति, पर भाग्यो जीविति, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। सर एते, ये छह प्रकार के व्यक्ति दुख भागी नह, दुख के भागी होते हैं अर्थात दुखी होते हैं। कैसे व्यक्ति? ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, असंतोषी, क्रोधी, संकालु, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले, छह प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुखी होते हैं या दुख के भागी होते हैं। तच्छुत्वा, ऐसा सुनकर कपोत राजस्य संताप च अनादृत्यः, ऐसा सुनकर और कपोत राजस्य संताप, कबूतरों की राजा की संता का अनादर करते हुए, कबूतरों के राजा की संता का अनादर करते हुए, अब यहां देखिए सुत्वा में आपके कत्वा प्रत्यय लगा है। ठीक है, सुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। कश्चित एक अव्यय शब्द है। यहां देखिए सुत्वा आपके फिर से कत्वा प्रत्यय है। कपोत राजस्य, कबूतरों के राजा की, यहां आपके षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द संबंध कारक। फिर है अनादृत्य, अनादृत्य में आपके यत् प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप, क्योंकि आगे उत्सर्ग आया है और पीछे य। तो तत्सुत्वा, ऐसा सुनकर और कपोत राजस्य संका, कबूतरों के राजा की संका का अनादृत्य, अनादर करके सर्वे, सभी कपोतास्त तत्वों को विश्राह, सभी कबूतर वहां बैठ गए। कहां? जहां चावलों के कण दिखते हुए थे, जिसके ऊपर जाल रखा हुआ था, वहां सभी कबूतर चावलों के कणों को चुगने के लिए बैठ गए। अनंतरम, इसके पश्चात सर्वे जाले, सभी जाल में बद्धा बभूव, बंद हो गए। अब बभूव देखिए, बभूव में आपके भू धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन का शब्द है। ठीक है, बहुव शब्द है, वहां आपके भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है। लिट लकार, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, 10 में से ये एक लकार है आपका। ठीक है, तो भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का।
का शब्द है बभूव। ततो यस्य, इसके पश्चात यस्य, जिसके वचनात्, वचनों से, जिसके वचनों को सुनकर या जिसके वचनों से, तत्र अवलंबितास्तम, जो वहां सभी कबूतर उतरे थे, जिसके वचनों को सुनकर वहां सभी कबूतर उतरे थे, सर्वे तिरस्कार कुर्वन्ति, सभी उसका तिरस्कार करने लगे, मतलब उसको पूरा भला कहने लगे कि कहां हम इसकी बातों में आ गए, अगर इसकी बातों में हम नहीं आते तो जाल में नहीं फंसते। तो ततो यस्य वचना तत्र, जिसके कहने से, जिसके वचन सुनने से हम वहां, वे सब वहां उतरे थे, वे सभी उस कबूतर का तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कार सुत्वा, उसका तिरस्कार सुनकर, देखिए यस्य तस्य दोनों ही षष्ठी विभक्ति एकवचन की शब्द है, यस्य जिसका या जिसके, तस्य उसका या उसके, ठीक है, जिसका या जिसके, उसका या उसके, तो तस्य तिरस्कार सुत्वा, उसका तिरस्कार सुनकर, उसका तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव हुआ, चित्रग्रीव ने कहा, चित्रग्रीव कौन था, कपूतराज, कबूतरों का राजा, चित्रग्रीव ने कहा, नायमस्य दोषः अयमस्य, इसका दोष न नहीं है, ये इसका दोष नहीं है, विपत्ति काले विस्मय एव, विपत्ति काल में संकट के समय घबरा जाना तो का पुरुष लक्षणम, का पुरुष काय पुरुष का लक्षण है, काय पुरुष की निशानी है या चिन्ह है, विपत्ति काले, ये देखिए समय सूचक शब्द है, ठीक है, समय सूचक शब्दों में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, समय सूचक जो शब्द होते हैं, विपत्ति काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, संध्या काल, प्रातः काल, तो यहाँ आपके समय सूचक शब्द है, इसलिए आपका इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, विपत्ति काले, विपत्ति काल में संकट के समय विस्मय एव, घबरा जाना ही, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या घबरा जाना ही, का पुरुष लक्षण, का पुरुष काय पुरुष का लक्षण होता है, तदत्र धैर्य अवलंब्य प्रतिकार चिंतयाम, तदत्र अब यहाँ धैर्य रखकर प्रतिकार चिंतयाम, कोई उपाय सोचते हैं, प्रतिकार का अर्थ होता है उपाय, योजना या युक्ति, प्रतिकार चिंतयाम, प्रतिकार अर्थात उपाय सोचते हैं, इदानीम अप्ये क्रियताम, अब ऐसा, इदानीम अब ऐसा किया जा सकता है, क्रियताम किया जा सकता है, अब ऐसा ही किया जा सकता है, कैसा किया जा सकता है, सर्वे एक चित्त भूय, सभी एक मत होकर, अर्थात एक होकर, सर्वे एक चित्त भूय, सभी एक चित्त होकर, एक मत होकर या एक साथ होकर, जालम आधार उद्यताम, जाल को लेकर उड़ जाए, सभी एक मत होकर, सभी एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाए, इति विचित्य, ऐसा विचार करके, इसमें भी देखिए आपके यम प्रत्यय लगा है, ठीक है, कर या करके के योग में इसका प्रयोग होता है, आगे भी है पीछे यह है, तो आपके यम प्रत्यय होगा, इति विचित्य, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, पक्षिणः में आपकी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है, ठीक है, पक्षिणः में आपके प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है, सभी पक्षी जालम आदा उत्पतितः, जाल को लेकर उड़ गए, ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। इसके बाद देखिए अनंतरम सब, अनंतरम सब व्यादः सुदूरा चालन अपहारकान, इसके बाद वह शिकारी सुदूर चालन अपहारकान, जाल को उड़ाकर दूर ले जाते हुए कान उन कबूतरों को
अनोखे देखकर इसमें भी आपके लिए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात वह शिकारी जाल को दूर उड़ाकर ले जाते हुए अपहरण करना या ले जाना ले जाते हुए तान अवलोक्य उन कबूतरों को देखकर पश्चात धावना महाकरो इसके पीछे दौड़ने लगा पश्चात पीछे धावना महाकरो दौड़ने लगा। क्या किया शिकारी ने, सभी कबूतर जो है एक साथ उड़ने का जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। जो झाड़ियों में छिपा हुआ शिकारी था उसने उन कबूतरों को जाल को ले जाते हुए देखा और ऐसा करते देख कर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। ततस्तेषु चक्षुर विषय आसीत् क्रांतिषु पक्षिषु ततस्तेषु पक्षिषु ऐसा करते हुए उन पक्षियों को देखकर चतुर्विंशतिषु क्रांतिषु आग से ओझल हो गए। इसके पश्चात तेषु उनमें सभी पक्षी जो थे वह चक्षुर विषय आसीत् क्रांतिषु उसकी आंखों से ओझल हो गए, मतलब बहुत दूर जा चुके थे जहाँ शिकारी की नजर भी नहीं जा रही थी, अर्थात उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सह व्यापो निगत वह वापस लौट गया। अतः एक उच्चते इसलिए कहा गया है अतः एक उच्चते इसलिए कहा गया है अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका तीर्णे गुणत्वापन्ने पद्यते मद्गंधिनः। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। अल्पानाम अपि वस्तुना छोटी से छोटी वस्तुओं से भी अल्पानाम अपि वस्तुना संहति छोटी से छोटी वस्तुओं का संगठन बन जाने से कार्य साधिका कार्य सिद्ध हो जाती है। अल्पानाम अपि छोटी से छोटी वस्तुओं के संगठन में हो जाने से संगठन बना लेने से कार्य साधिका कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार तीर्णे गुणत्व आपन्ने तिनकों के घास से बनी रस्सी जो है उसका संगठन प्राप्त कर लेने से एक मत हो जाने से बद्धते मद्गंधिनः मत वाले हाथियों को भी बद्धते बांधा जा सकता है। मद्गंधिनः मत यानी मत में चूर हुए या मदमस्त हाथी दंती का होता है हाथी मत दंती ना मत वाले या मदमस्त हाथियों को भी बद्धते बांधा जा सकता है। छोटी से छोटी वस्तुओं का संगठन प्राप्त कर लेने पर कोई भी कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। जिस प्रकार घास के तिनका जब संगठन प्राप्त कर लेता है एक हो जाता है तो उससे बनी मजबूत रस्सी मत वाले हाथियों को भी बांध सकती है। ये था आपका दूसरा पार्ट आपको टू टाइम रीड करना है अच्छे से। इसमें प्रत्यय जो अर्थ है उनको भी देखना है समझना है और हिंदी अनुवाद अपने मन से करना है। इसके बाद रफ कॉपी में करना हिंदी अनुवाद आपको और जब मैं आपको यहाँ करवाऊंगी वो आपको फेयर कॉपी में करना होगा। इस पूरे पार्ट का मैं आपको हिंदी अनुवाद करवाऊंगी, ठीक है। काम आप लोग साफ सुथरा करेंगे, सुंदर दिखावट होगी, गलतियां नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।